हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नील एंड रोनेल। तो नील अभी तैयार हो रही है, हम दोनों तैयार हो चुके हैं पूजा के लिए। हेलो रोनेल, और नील अभी आने वाली है। नील आने वाली है। ये हमारी हमारी नील आ गई। ये हमारी बहुत रोनेल से पूछे, नहीं मुझसे ही पूछो। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। आज क्या है, पूजा और टाइम एकदम नहीं मिल रहा है। पहले पूजा का सामग्री सब कुछ रेडी है, बस प्रसाद बनाना बाकी है। तैयार होके आज हमारी ये पंडित जी भी है और पूजा करवाने वाली भी है। चलो आटे का प्रसाद बना रहे पहले, और उसके बाद फिर पंचामृत बनाते हैं। गाइस, आटा के चूरन के लिए जो ये क्या करते, सत्यनारायण भगवान का सबसे मेन प्रसाद माना जाता है, एक आटे का चूरन और एक जो है वो पंचामृत जिसको कहते हैं वो। तो उस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं सामग्री बता देती हूँ आपको। इसमें आपको आटा चाहिए, हमारे पास आटा पहले का है तो मैं फ्रेश सारा कुछ यूज कर रही हूँ। तो ये आटा, चीनी, आपका पंचमेवा और घी, बस इतने चीजें ही चाहिए। और फिर उसके बाद फिर इसको आटे को घी में भून देते हैं, और उसके बाद फिर चीनी आप लास्ट में डालिए, पहले नहीं डालेंगे क्योंकि चीनी फिर मेल्ट होने लगता है। अब गैस बंद करके फिर चीनी डालिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा भी घी डालकर आटे को भून दिया है। ब्राउन होने तक इसको ऐसे भूनते हैं। चीनी मैंने सबसे लास्ट में डाला है, गैस बंद है उसके बाद, और इसको तुरंत इससे निकाल देना है। बन गया सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद, और ये प्रसाद अभी इनकम्प्लीट है विदाउट तुलसी जी का पत्ता। अब बारी है पंचामृत बनाने की। पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध, दही, गंगा जल, शहद, घी, तुलसी जी का पत्ता और चीनी। तो ये सारी चीजें, दही आपको बहुत ही कम अमाउंट में डालना है, गंगा जल बहुत थोड़ा अमाउंट में, हनी अगर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जैसे हमें थोड़ा बनाना है तो हम थोड़ा ही डाल रहे हैं सारी चीजें। तुलसी जी का पत्ता आपका मस्ट है क्योंकि उसके बिना सत्यनारायण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। घी अब डाल दिया और यहाँ पे चीनी। इस तरीके से आपका जो है पंचामृत भी आपका रेडी है। पंचामृत और आटे के प्रसाद मेन प्रसाद है। सारा सामग्री ले आई हूँ पहले, और उसके बाद आसन भी बिठा दिया है, इधर फल है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्वस्तिक्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी, वैसे मेरा हमारा पुराना ब्लॉग भी है, श्री सत्यनारायण भगवान जी की पूजा विधि वगैरह सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से है, बहुत ही सिंपल मेथड कह रही हूँ विधि है। आप बहुत अपने घरों पे आराम से कर सकते हैं पूजा। सबसे पहले पूजा करने के लिए सारी सामग्री तो आपने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपको तोरण द्वार बनाना है, जो घर के मुख्य द्वार पे आप उसको लगाएंगे। वो आप अशोक के पत्ते से कर सकते हैं और आम के पत्ते से कर सकते हैं, जो भी पत्ता आपके पास हो। 7 पत्ते लेकर आपको इसको बांधना है इस तरीके से, देखिए ये ऐसा करके बांधना है आपको, और इस तरीके से आपका बन गया ये। और ये आपको अपने मुख द्वार पे पूजा स्टार्ट होने से पहले, और जितने ही पत्ते हैं सब पे आप तिलक लगा सकते हैं, रोड़ी का, चंदन का। सबसे पहले कलश तैयार करेंगे। स्वास्तिक तो मैंने बना दिया है, चंदन और
रोडी से आपका अक्षत मैंने रख दिया पहले, और ये कलश, और कलश में आपको ये नहीं कि खाली कलश रखना है, आपका फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर, कसैली, ये सारा कुछ आपको लोटे के जग में डाल देना है। सेम प्रोसीजर आपको अपने नारियल के साथ भी करना है। स्वस्तिक बनाने के बाद अब या तो फिर लाल कपड़े से करिए या तो फिर कलेवा से। इसमें आपका 5, पहले फिर से मैं कहती हूँ, अशोक के पत्ते हो या फिर आम के पत्ते, 5 पत्ते ऐसे करके। और सबसे पहले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सबसे पहले कलश की स्थापना होती है, उसके बाद गंगा जल से सारी जगह को, पूरे घर को पवित्र करते हैं। कलश की स्थापना हो गई, या तो उससे पहले या तो उसके बाद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबको पवित्र कर रही हूँ, सारे घर को और खुद को भी। सत्यनारायण स्वामी की जय। अब यहाँ से सत्यनारायण भगवान की पूजा आरंभ करते हैं। सबसे पहले उनको तिलक लगाते हैं, तिलक में आप चंदन रोड़ी का तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर आप उस पर अक्षत देते हैं। अक्षत देने के बाद भगवान को जनेऊ समर्पित करते हैं। जनेऊ सबसे पहले आप तिलक लगाने के बाद आप जनेऊ समर्पित करें। उसके बाद फिर आप फूल माला उनको चढ़ाएंगे। फूल माला चढ़ाने के बाद आप, अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र दे सकते हैं, लाल कपड़ा दे सकते हैं। वस्त्र नहीं है तो आप उसको, आप जनेऊ जो क्या कहते हैं कलेवा होता है, कलेवा के फॉर्म में भी वस्त्र चढ़ा सकते हैं। फिर आप बारी बारी करके आप पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते होते हैं, उस पर आप तिलक रोली एंड चंदन का लगाएंगे। फूल सारे चढ़ाएंगे, द्रव्य चढ़ाते हैं उस पर, हल्दी, लौंग, इलायची और कसैली होते हैं। फिर भगवान को ऋतुफल, 5 ऋतुफल जो होते हैं वो, और जितने भी प्रसाद हैं सब में आप तुलसी जी का पत्ता अवश्य रखें। जो आटे का चूरण प्रसाद है, पंचामृत है, सारा आप एक एक करके आप भगवान को अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर भगवान के आगे आपको दिया जलाना है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, सब कुछ बारी बारी करके आपको भगवान की आरती करनी है। पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़ते हैं। तो व्रत कथा पढ़ने से पहले उस बुक को भी आप पूजा करेंगे। अब सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी कथा करेंगे अच्छे से पूरी हो जाए। तो फ्रेंड्स, पूजा हमारी हो गई है। और सबसे पहले तो अगर खुद से पूजा करना है तो सबसे पहले भगवान से क्षमा मांगिए, सॉरी बोलिए कि जितना भी हो सके, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है, चीजें याद तो रहती है बट कभी भूल जाता है इंसान कौन सा चीज पहले क्या करना है। तो मेरे पूजा में ये हो जाता है कि पहले अगर बेलपत्र, ये बेलपत्र कह रही हो, प्रसाद चढ़ाना है, रोटी टीका लगाना है, क्या करना है, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, ऐसे दिया जलाना है, ये तो कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती हो, बट एट द एंड सारा कुछ हो ही जाता है। मतलब अपने एंड से मैं भगवान हम सबसे पहले सॉरी बोलती हूँ, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो बट ये चीज जरूर है कि अगर आप खुद से पूजा करेंगे तो ज्यादा आपको खुशी मिलती है, ज्यादा आपको अच्छा लगता है। पूजा हमारी हो गई है, मतलब अपने एंड से तो कर लिया है पूजा, अभी कथा करने की बारी है, कथा सुनना है। और खुद से पूजा, मैं यही बोल रही थी कि खुद से अगर आप पूजा करेंगे तो एक तो आपको समझ में आता है प्रॉपरली, और मतलब पूरा ध्यान रहता है पूजा पे ही करना है आपको सही तरीके से। तो जो मेन मेन चीजें हैं वो तो पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा मेन होता है, फल आपका, आपका ये प्रसाद जो है सब कुछ कर दिया, और अब आरती की बारी है, आरती जो करना है उसके पहले आप कथा करिए। कथा पढ़ने के बाद फिर आपको लास्ट में आपको आरती करना है, आरती करने के बाद फिर आप हवन कीजिए, उसके बाद फिर आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। सब बारी है कथा करने की, कथा पढ़ते हो लो रोने, ये हाथ में रखे रहना ठीक है, जब भगवान जी को बोलेंगे ऐसे बंद कीजिए मुट्ठी डालने के लिए, तब आओ रो जल्दी।
चलो सब अब इसको ऐसे मुट्ठी बंद करके रखिए। चलिए प्रथम अध्याय। एक बार नेमेसी नारायण में एकत्र आर्यव्रत के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ त्रिसूद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले दबता जा रहा है, अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिसे मनुष्य का पूर्ण लाभ हो। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मसी नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने और ब्रह्मसी नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का विवरण निवारण कैसा होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं, आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। आप अपने भक्तों के मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताएं। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका कष्ट दूर हो सके। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों के पाप से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मा से शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों की मुक्ति पाकर वह धन संपन्न व सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रथम अध्याय संपन्न। वेरी गुड। आ जाओ आज की जय। रोने अपने पास रखो। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसे श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उनके सामने जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों का सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गया। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा। रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण ने भिक्षा में बहुत धन
उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया। उनके कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए अपने अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत किया तो उसे व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्बन्धित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ है? कृपया करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों के परिचित के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा। उस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से इस व्रत के वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन सत्यनारायण भगवान की व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करूंगा। ऐसा विचार करने से उस लकड़हारे की लकड़ियों को अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा, शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के व आसपास के लोगों भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष की प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। द्वितीय अध्याय संपन्न। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बाय के बदले भी रख लो। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियो, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान और सत्यवादी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब बृहदशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देख उसने कहा, हे राजन, इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इस व्रत का करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को श्री सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है,
यदि सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने से कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक कन्या, सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति को व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी क्या जल्दी है, इसकी विवाह इसका जब विवाह होगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति की वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसका विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वानिक पुत्र को देखा। वानिक पुत्र अत्यंत सुंदर व गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वानिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत ही धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वानिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने के बाद लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने अपने नावों पर सामान भरा और अपने दामाद के साथ सेवकों के साथ व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करने लग भाग करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचा। उन्होंने व्यापारी का नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी का धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और अब उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके घर में चोरी हो गई। चोर ने सारा धन चुरा कर ले गया। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति को और दामाद के घर लौटकर आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने से प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। वह उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भी श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषियों के साथ को रात का स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ने की बात कही। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया, उसका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तृतीय अध्याय संपन्न। श्री सत्यनारायण स्वामी की चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त
में नावो द्वारा रत्न सारपुर में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक दिन एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया, फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वानिक, तुम्हारी नाव में क्या लदा है? व्यापारी ने सोचा दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, कहा, हे दांडी, मेरे नाव में तो बेलपत्र भरे हुए हैं। व्यापारी की झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण स्वयं भगवान बहुत क्रोधित हुए और कहा, हे वैष्णव, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपने नावों में बेलपत्र भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा, अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद उसे मूर्छा नष्ट हुई तो उसने दामाद से कहा कि अब तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उस दांडी साधु के श्राप से के कारण हुआ है। अब वही दांडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दांडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ दूर ढूंढने पर उसे उस एक वृक्ष के नीचे दांडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दांडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दांडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा लेकिन कभी भी मेरी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दिन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते हैं, मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा, आप मुझ पर अनुकंपा करें। भगवान की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नावों में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान से परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करने के उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरण करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और व्यापारी अपने नगर की ओर चल दिया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने लीलावती को सूचित किया कि उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र ही जल्दी आ जा। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति के से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने से भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया और अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य ही तुमने कोई भूल की है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई है तो अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वानिक पुत्र, तेरी कन्या मेरे प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली गई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो मैं तो उसे पति के दर्शन होंगे। कलावती ने वैसे ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल से ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी के किनारे निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। चतुर्थ अध्याय संपन्न। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्रछाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया।
तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन के सुखी को सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अंततः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा के विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही वहां कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिए। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा उसका सारा वैभव नष्ट हो चुका है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब ज्योतिषियों ने कहा, राजा महाराज आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित करके सब कुछ पहले कर लें तो सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। अपनी भूल का स्मरण हुआ, अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने उसके अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। सभी मनोकामनाएं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष की प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पुनर्जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए हैं। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधि व्रत से व्रत किया था। दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र की ओर से चीर कर भगवान के अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सदक्रम करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचम अध्याय संपन्न। कथा हमारी हो गई और अब है हवन की बारी। हवन की तैयारी हो रही है। जय लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न जरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भये कलिकारन द्वेज को दर्श दियो, बूरो ब्राह्मण बन कन कंचन महर कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कटारो इन पर कृपा करी, चंद्र चूड़ एक राजा जिनके विपति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्व मनोरथ पाय संभात जदीनी, सोफल भोगे प्रभु जी फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीने दिन को काज सरो।
ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मन वांछित फल देना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चरत प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पा। ओम जय लक्ष्मी रमना, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे पे तिलक सोहे मुसे की सवारी, हार चरे फूल चरे और चरे मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, अंधन को आंख देते कोरन को खाया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, सूर श्याम शरण कीज सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, तुमको नित दिन सेवा, तुमको नित दिन सेवा, हरि ब्रह्मा शिव हरि। ओम जय जगदीश हरे। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप सभी को आरती। इस पूजा हमारी हो गई डन, प्रसाद वितरण करना है। okay, जिसके साथ हमारी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, होप सो आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद ले लिए होंगे, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा पूजा। तो प्रसाद वितरण करेंगे, सब लोगों को प्रसाद देंगे, और हम लोग अक्सर थोड़ा लेट हो जाते हैं इसलिए सबको बुलाते नहीं है कि घर पे हमारा टाइम टेबल इधर उधर हो जाता है, और सबको घर कॉलेज में जितने भी लोग हैं सबको ये प्रसाद देने जाएंगे, खुद भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।